दिखाना चाहेंगे आपको, ये सामने चल रहे हैं, हम भी इनके बराबर नहीं चल पा रहे हैं, इनके आंखों में पट्टी, आगे गाड़ी थी लेकिन इनको पता चल गया कि आगे गाड़ी है, हम बाजार में पहुंच गए हैं, सायगढ़ कुटिया कहा जा रहा है, जबकि मिश्रा जी हैं, इनके आंख में पट्टी हुई है, राम दर्शन के लिए निकले हुए, इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, आंख में बंद करके ये निकले हुए हैं। चलिए मिस्र का पुरवा है, वहां से ये इसी तरह से पैदल आ रहे हैं, आंख में पट्टी बंद। नमस्कार दर्शकों को, हम दिखाना चाहेंगे कि वहीं पहुंचे हैं महेश मिश्रा के घर पर, लंबुआ के पास, जो मिस्र का पुरवा नाम है इस गांव का। यहां से आप दिखाना चाहेंगे कि ये महेश मिश्रा जी हैं, आज ये जा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करने। महेश मिश्रा जी, आप किस तरह से ऐसे जाएंगे जी, पैदल जी, बगैर चप्पल के जी? चलिए हम दिखाएंगे दर्शकों को कहां पर कैसे चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ में कैसे चलते हैं, आइए हम पूरा दिखाएंगे आपको दर्शन, जब तक इनका नहीं हो जाए हम वहां पर आपको ले चलेंगे जहां पर प्रभु राम का ये दर्शन करने जा रहे हैं। इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, आंख बंधी हुई, देख लीजिए, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे पूरा आंख बंद करके ये जाएंगे अपने मुकाम तक। इसी तरह से यहां पर दिखा देंगे, ये आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, इस तरह से अभी इधर आगे मेड़ भी पड़ेगा, ये एक पगडंडी है, यहाँ पर ये मतलब एक जंगली इलाका है, कोई उस तरह से शहर भी नहीं है, आगे देख लीजिए ऊंचा खा ऊंच भी है और इधर जमीन खाल भी है, इस तरह से है। ये महेश मिश्रा अपनी आंख बंद करके ये जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, इनके अंदर इतनी बड़ी आस्था बनी हुई है कि इनको वहां तक पहुंचना है, इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, आंख भी बंद है, हम आंख हमको दिखाई दे रहा है फिर भी दिक्कत हो रही है, और ये बगैर आंख खोले बंद है आंख, उसको भी ये पार करते, जंगल को पार करते और इस पगडंडी को पार करते हुए ये राम दर्शन के लिए निकल पड़े हुए हैं। अभी और आगे हम दिखाएंगे, आगे जो एक देहात में मेड़ कहा जाता है, क्योंकि ये गांव है, यहां पर पगडंडियां होती हैं, अब कैसे जाएंगे अब आप खुद देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, पूरा दिखाएंगे कैसे, देख लीजिए, दिखाइए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पर जिसके आंख खुली हुई है वो भी नहीं चल सकते हैं, जबकि महेश मिश्रा की तो आंखें बंद हैं, लेकिन सीधा जा रहे हैं, देखते चलिए आप, एकदम सीधा जा रहे हैं जैसे उनको दिखाई देता हो, जबकि उनके आंख में काली पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। अब जहां पहुंचे हैं ये साहगढ़ कुटीवा है, इनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं, आंख में ये पट्टी बांध कर चल रहे हैं। अभी देखे होंगे गाड़ी आ रही थी, उसको भी बचाया, गाड़ी सामने खड़ी थी ये भी दिखाया, इनके अंदर एक काबिलियत और भी है, आइए हम दिखाते चले, ये बता देते हैं कि क्या कैसे है। एक मिनट भैया इधर आइए, जरा से आइए, एक मिनट इधर आइए, ये बताइए इसमें क्या लिखा गया है, इसको बता दीजिए, जबकि इनके आंख में पट्टी बंधी हो, देख लीजिए क्या लिखा है, ये हीरो होंडा। इधर ये नंबर दिखाइए भैया, थोड़ा से नंबर दे के पढ़ के बताइए, यूपी 44 हाँ केसी हाँ और फिफ्टी जीरो फोर जी, बहुत सही, देख लीजिए आपका नंबर सही है ना। इस तरह से ये महेश मिश्रा जी हैं, इनके आंख में पट्टी हुई है, राम दर्शन के लिए निकले हुए, इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, आंख में बंद करके ये निकले हुए हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं हम आप, इनकी काबिलियत को हम नमन बंदन अभिनंदन करते हैं, इस तरह से ये इनके अंदर एक जागरूकता उभरी है कि हम दर्शन करेंगे भगवान का, और हम बाजार में पहुंच गए हैं, सायगढ़ कुटिया कहा जा रहा है, जबकि इनके घर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पर देख के इनके आंख में पट्टी बांधी गई है, ये रोड पर पहुंच गए हैं, इनके अंदर
काबिलियत है। आइए और हम दिखा दे रहे आइए एक मिनट भैया आइए अच्छा आइए आइए दिखाते हैं। इनके आग में पट्टी बांधी हुई आइए दिखाइए इधर आइए इनकी आँख बंद है ये बताइए कौन सा कलर है इसको बता दीजिए इनकी आँख बंद है देख लीजिए ये कलर बताइए कौन सा कलर है व्हाइट कभी आपको देखे नहीं है ना ये जा रहे हैं राम दर्शन के लिए अपने घर से निकले हो 3 किलोमीटर दूर पैर में इनके आँख बंद होकर आ रही है इस तरह से इधर आइए इधर ये भैया है ये बताइए क्या लिखा है महेश मिश्रा जी सर देख के बताइए क्या लिखा गया है 63 लैंड 63 सही लिखा है भैया ये लिखा गया है ना आंख बंद करके ये भगवान दर्शन के लिए निकले हुए हैं मिश्रपुर से हैं ये आंख में इसी तरह से पट्टी बांध कर बराबर आ रहे हैं इस तरह से इनके अंदर काबिलियत है। चलिए और हम दिखाते हैं आगे गाड़ी थी लेकिन इनको पता चल गया कि आगे गाड़ी है इसी तरह से ये पूरा पैदल चलते हुए जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं जबकि अपने घर से 3 किलोमीटर इनको हो गया दूर यहाँ से निकले हुए हैं ये पैदल बराबर जाएंगे इनके सहयोगी एक दो आदमी हैं अभी ये जहाँ पर पहुंचे बाजार में वहाँ पर हमने इनकी काबिलियत को भी दिखाया। आइए और आगे हम दिखाते हैं ये भी अपने अंदर दर्शन के लिए निकले हुए हैं इनके पैर में चप्पल भी नहीं है आंख बंद है 3-4 किलोमीटर लगभग हो भी चुका है पैदल जाते जाते इनको थकान भी नहीं लग रही है हम तो भैया इनके साथ है फिर भी हमारे थकान लग रही है अब इतनी दूर हो गया पैदल अभी ये कहाँ तक जाएंगे अभी इधर ट्रक आ रही है देख लीजिए ट्रक आ रही है लेकिन इनको सब जागरूक जानकारी हो जाती है कैसे क्या करना है तो तुरंत जान जाते हैं इस तरह से आप अब यहाँ से आगे चल रहे हैं हम आगे अभी और दिखाते हैं। जहाँ अभी जहाँ से निकले हैं हम पहुँच चुके हैं लगभग 5 किलोमीटर दूर पर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर ये महेश मिश्रा जी हैं जो आंख बंद करके भगवान दर्शन करने जा रहे हैं हम दिखाना चाहेंगे आपको ये सामने चल रहे हैं हम भी इनके बराबर नहीं चल पा रहे हैं इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई है इधर से ट्रैफिक भी है इधर से गाड़ियाँ मोटर चल रहे हैं उसके बावजूद भी इन्होंने अब सामने देख लीजिए गिट्टी है लेकिन इनको मालूम पड़ गया आंख में पट्टी है और नीचे से कार्टन भी है लेकिन इनको तुरंत मालूम पड़ जाता है अब क्या शक्ति है कैसे है क्या है हम इसको तो नहीं बता सकते लेकिन इतना आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे इसके अंदर इतनी खासियत है काबिलियत है कि हम उसको इजहार नहीं कर सकते अब जहाँ जिस मुकाम पर चलना था पहुँचने वाले हैं बस हम चल रहे हैं इधर दिखा दे इधर देख लीजिए अब ये धोपाप मंदिर के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर काफ़ी भव्य दर्शन होगा अभी महेश मिश्रा का वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं ये महेश मिश्रा जी हैं अब चल रहे हैं जैसे वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम आपको हम थोड़ा से ज़रूर इंडिकेट करेंगे अब जहाँ से मुड़ना है ये रास्ता गड़बड़ है लेकिन अब हम आपको बता दें इनके आँख पर पट्टी भी है अंदर से कार्टन भी है अब ये कैसे पार करेंगे आप देखते रहिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा देखते रहिए ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये सामने जो मंदिर है दिखाई दे रहा है अब ये रास्ता बड़ा सही नहीं है उबड़ खाबड़ है अब महेश मिश्रा जी जा रहे हैं आँख में पट्टी इनके बांधी हुई है अब जा रहे हैं चलते हैं दिखाते हैं वहाँ पर जब पहुँचते हैं तब हम और जानकारी आपको देंगे अब जहाँ पहुँचने वाले हैं पहुँच चुके हैं ये अब हम पहुँच चुके हैं धोपाप ये तैयारियाँ हो रही हैं 22 की 22 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ये मंदिर है अयोध्या से लगभग 80 किलोमीटर दूर भगवान राम के पुत्र कुश की नगरी धोपाप में मौजूद हैं आपको हम बताते चलें कि त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का
अंत किया था। उसके बाद उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा कि जब तक आप गंगा में स्नान नहीं करेंगे तब तक आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। उसी समय पुरुषोत्तम राम जी धोपाप आए और यहाँ पर स्नान किया और अपने पाप को धोया और पाप से मुक्त हुए। जिस घाट पर प्रभु राम ने स्नान किया था उस घाट को राम मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर महेश मिश्रा 5 किलोमीटर दूर आंख में पट्टी बांधकर पहुँचे हुए हैं। ये भव्य तैयारियाँ हो रही, 22 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 51,000 दीपक जलेंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे, तैयारियाँ भी जोरों से चल रही है। यहाँ पर हमको जानकारी मिली है कि संसदीय कार्य मंत्री स्मृति ईरानी जी आने वाली है और हमारे सुल्तानपुर के सांसद जो हैं माता जी भी पहुंचने वाली हैं। ये भव्य प्रदर्शन दिखा दीजिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन मंदिर है। अब ये सीढ़ी है, हम दिखाना चाहेंगे आप सीढ़ी पर, जहाँ पर आप देख कर भी नहीं चढ़ पाएंगे। महेश जी पट्टी बंधी हुई है आँख में, ये सीढ़ी को चढ़ते हुए जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। आपको दिखाते चल रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो खुद देख रहे होंगे, एहसास कर रहे होंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, उस पर ठोकर भी लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी महेश मिश्रा आँख में पट्टी बांध कर दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर। अब यहाँ जहाँ पहुँचे हैं यही है मंदिर, इसको हम अभी बता रहे थे धूपाप। अब ये दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ सजावट हो रही है, अब ये जा रहे हैं दर्शन करने। पाँच किलोमीटर दूर पैदल आँख में पट्टी बांधकर आ रहे हैं महेश मिश्रा जी, यहाँ पर दर्शन करने आइए। आपके सामने हमारे बाबा जी हैं, अभी नाम क्या है? आप यहाँ पुजारी है। अच्छा अच्छा, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो यहाँ कितने दीपक जलने वाले हैं? 11,000। हमको तो खबर में पढ़े थे 51,000। 11,000। अच्छा 11,000। अच्छा 11,000। तो सांसद भी आएंगे, स्मृति ईरानी जी के भी आने की संभावना? सांसद जी आई है। अच्छा चलिए, आपके सामने ये बच्चा खड़ा है, आपके यहाँ करीब मिस्र का पुरवा है, वहाँ से ये इसी तरह से पैदल आ रहे हैं, हाथ में पट्टी बांध, साथ में मौजूद है दर्शन करने के लिए। इसके अंदर टॉयलेट है, ये आपको बता देगा क्या है, बताइए मिश्रा जी। ऑरेंज रंग का है। गलत बता रहे हैं बाबा जी, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सही है? ये बता दिए, ये जो हाँ ये धोती है व्हाइट रंग, पीली कलर की है, व्हाइट ही है, सही बोल रहे हैं? नहीं सही है। इस तरह से बच्चों में टैलेंट है। जो अगर आधार कार्ड कोई लिया हो तो हम दिखा दे, आधार कार्ड कोई लिया है, कोई लिखा पढ़ी कोई कागज है आपके पास, कोई भी कुछ है देखिए मिश्रा जी, इसको पढ़ के बताइए। ये सोनू लाल जी, और नंबर है 9091 4881 8519। सोनू भैया सही है, अभी आपसे मिले थे, ये कभी आपको मिले हैं, इनको दिखाए थे, लेकिन ये कोई इसमें जादू नहीं है, इनके सिर्फ एक दिमाग का वो है, इसके कोई जादू नहीं। पढ़ता है बच्चा, किस क्लास में महेश जी पढ़ते हो? 8 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धा भगवान के अंदर इतनी है कि ये पैदल से वहाँ आ रहे हैं। कहा गया है कि जासी जे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन, ठीक मंगल भवन अमंगल हारी। आप लोग भी कहिए मेरे साथ, अगर हिंदू है तो कहिए मंगल भवन अमंगल हारी कबहुत दशरथ, सही? तो इसी तरह से ये बच्चा और जो और कुछ कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, कोई इनका परीक्षण लेना चाहता है, कोई कागज लिए हो, कोई भी कागज आप दिखा दीजिए। इस तरह से बच्चों में टैलेंट है, कोई लाइए सब कुछ, इसको रुपया है नहीं, हमको दिखाना है कि बच्चे का, आपके हमारे सुल्तानपुर का एक बच्चा हमारे दुनिया में नाम करे, कम से कम हो कि एक बच्चा है जो नाम कर रहा है। आधार कार्ड भैया बताइए, आधार कार्ड सूरत देख लीजिए भैया, आपका नंबर दिखाइए, आधार नंबर है 94 51 30 92 74 83, सही है भैया? चलिए ठीक है, एक कागज दे रहे हैं, देखिए ये कागज है, चलिए बता दे, एक कागज है,
हिंदी बहुत कम पढ़ पाते हैं। चलिए 200 का नहीं, एक सस्ता कागज अभी बाबा ने हमको दिया था, एक इसको फाड़ देंगे अभी बहा देंगे। क्या है ये 200 का तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है भैया, 200 का कागज है ये, बताइए आप लोग झूठ बोल रहे हैं। लड़का नंबर कितना बता दीजिए अगर रुपया है तो। 3BQ12862 3। तालियां बजा दे, एक बार आप दो बच्चे का स्वागत कर दीजिए। देख लीजिए इसमें कोई जादू नहीं है, बच्चा अपने दिमाग से आंख में पट्टी भी कोई, देख लीजिए भैया इनका ये देखिए, देख लीजिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चे में काबिलियत है, देख लीजिए इतना बाबा आप देख लीजिए, ये देख लीजिए इस तरह से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बच्चा आ रहा है। ठीक, ये हिंदी थोड़ा हिंदी पढ़ने में, हिंदी पढ़ लोगे महेश जी? हिंदी नहीं, इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ता है इसलिए नहीं पढ़ पाए, देखिए कोशिश करिए। श्री श्रीमती पता नहीं क्या लिखा है, जनपद को अरे भाई बिहार में। इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए ये आपके सामने बच्चा ये आया है दर्शन के लिए। प्रभु राम की भक्ति थी कि चलते हैं हम अयोध्या, यहाँ पर धोपाप में जहाँ पर प्रभु राम आकर अपने पाप से मुक्ति लिया था, उनके गुरु ने उनको कहा था, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि जब तक आप वहां पर स्नान नहीं करेंगे तब तक आप मुक्ति से, आप पाप से मुक्ति नहीं पाएंगे। तो वहां से त्रेता युग की बात है बता रहे हैं, तब वहां से प्रभु रामचंद्र जी अपने सीता और लक्ष्मण के साथ आए, सीता जी ने सीता कुंड घाट पर स्नान किया था तो वो कुंड बन गया और उसका सीता कुंड नाम से चर्चित है। और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी आकर अपने पाप को धोया था, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने, जिसे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आप कहते हैं, उन्होंने रावण का वध किया था, ब्रह्म दोख लगा था, और इसीलिए कहा गया जब तक आप अपनी मुक्ति वहां स्नान नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं होगी। गुरु की आज्ञा मानकर यहां पर भगवान राम ने स्नान किया, तब से इसका नाम धोपाप हो गया। और जहां पर भगवान राम ने स्नान किया था उसका शायद नाम रामनगरी है जी, रामघाट है ना, रामघाट है। ये नदी जो सामने बही है वही गोमती नदी है जो सुल्तानपुर से वापस आती है। इसी तरह से अब अपने मुकाम पर महेश जी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा है दर्शन भी कर लिए। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जिले के बेटे को उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। इनका एक फेसबुक है, इनका फेसबुक है और क्या नाम के यूट्यूब भी है इन महेश सुल्तानपुर के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे गांव का, हमारे जिले का, हमारे देश का नाम रोशन होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।